हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आप पशु विभाग में जाने की ओर अपना रुख रख रहे हैं या आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में आप जो है ट्वेल्थ किया हो और साथ में आपने अगर पीएटी, पीवीपीटी का एग्जाम दिलाया हो और आपका रैंक जो है बहुत अच्छा आया है, तो अगर आप पशु विभाग में एनिमल हस्बेंड्री कहे या तो फिर फिशरीज साइंस कहे, ये डिप्लोमा की कोर्स है, ये 2 वर्ष के लिए होता है। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के वेबसाइट पर जाएं, जिसका पंजीयन जो है 9 सितंबर तक आपको करना है। 9 सितंबर 2022 तक आपको करना है पंजीयन के लिए। जो वेबसाइट का लिंक है वो खुल चुका है। इसके लिए आपको कैसे कैसे जो कैटेगरी अनुसार से फीस देना है, सामान्य है, ओबीसी है तो आपको 500 रुपया का फीस लगने वाला है, अगर आप एसटी एससी हैं तो आपको 300 रुपया का फीस लगने वाला है। वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखिए, इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से जानकारी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सीधा आपको पीडीएफ पर ले चलता हूं, जहां से आप लोगों को दिखाई देगा कि हम किस प्रकार से अपना देख सकते हैं। तो यहां पर ये जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को देखने को मिलेगा 26/8/2022। अगर आपने पीएटी पीवीटी 2022 के प्रवेश सूची के अनुसार आपका नाम आता है और मूल निवासी 10+2 अर्थात 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों से ऑनलाइन आवेदन जो है 29/8/2022 से लेकर के 16/9/2022 तक जो अंतिम आमंत्रित है, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के आवेदन शिक्षक के ये अनिवार्य जो है ये कर दिया जाएगा। तो सीटों जो है, फीस के नियम जो है, आप जो है इनके वेबसाइट जो है देख लीजिए, cgkvmis.cg.nic.in में विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जो है आप देख सकते हैं, www.cgkb.ac.in पर भी आप उपलब्ध है, उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम अगर बात करें तो ये जो विश्वविद्यालय का जो विद्यालय है दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के अंतर्गत जितने भी संचालित होता है, मत्स्यिकी पॉलिटेक्निक धमधा में है, डिप्लोमा इन फिशरीज साइंस एवं जगदलपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, सूरजपुर में संचालित वेटनरी पॉलिटेक्निक के जो डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अगर आप जो है प्रवेश लेना चाहते हैं 22-23 के लिए, तो ये है आप पीएटी पीवीपीटी अगर आपने अच्छा रैंक से पास किया है तो ये जो है आप पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा जो है देख लीजिए, यहाँ पर से डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री 2 साल का कोर्स होता है, भौतिक रसायन जीव विज्ञान के साथ होता है और यहाँ पर 17 साल से कम नहीं होना चाहिए, 17 से जो है आपका 22 साल होना चाहिए। इसी तरह से डिप्लोमा इन फिशरी साइंस के लिए है 2 साल का कोर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपको उत्तीर्ण होना है, 17 साल से 22 साल तक का होना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर देख लिए आवेदन का जो महत्वपूर्ण तिथियां जो है, पंजीयन के लिए आपको खुलने की अवधि जो है 29/8/2022 से शुरू हो चुका है, 16/9/2022 तक जो है मध्य रात्रि तक चलेगा और ये पंजीयन शुल्क है जो है 500-300 रुपया है, जहां पर 500 जो है आपका सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और 300 रुपया जो है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। पंजीकृत आवेदकों की सूची का जो प्रकाशन है जो 18/9/2022 को हो जाएगा, विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं, 2 वेबसाइट आप लोगों को यहां से देखने को मिल जाता है। उसके बाद आवेदन में त्रुटि है तो आप त्रुटि सुधार भी कर लीजिए, तो यहां से देख लीजिए, अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन अपने निकट के पॉलिटेक्निक में या स्वयं उपस्थित होकर कराने की जो अवधि है वो ऑफलाइन है, इसके लिए भी डेट आपको यहाँ से बता दिया गया है। और पंजीकृत आवेदकों के पात्र अपात्र की सूची का ऑनलाइन प्रकाशन जो है आपको ऑनलाइन उनके वेबसाइट पर यहाँ पर से देखना है, 25/9/2022 को इसका प्रकाशन किया जाएगा कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है, तो ये जानकारी आपको देना है, देख लेना है। उसके बाद पॉलिटेक्निक में प्रस्तावित जो है समय जो सारणी है 2023 में वेटनरी एवं मत्स्यिकी पॉलिटेक्निक में प्रवेश हेतु प्रस्तावित समय सारणी जो है, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन जो है जो कि मैं बता रहा था
29 को जो है 11 बजे शुरू हो चुका है, अंतिम जो है 16/9/2022 को है। उसके बाद पंजीकृत आवेदकों की सूची का ऑनलाइन जो है 18 जो अभी बता रहे थे, आवेदन का त्रुटि वाला भी हो चुका है मैंने बता दिया। उसके बाद जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दस्तावेजों को, और यहाँ से पंजीकृत आवेदकों के पात्र अपात्र की सूची जो है जारी करेंगे। काउंसलिंग की प्रथम चरण यहाँ से आप लोगों को जरूर से देख लेना चाहिए। काउंसलिंग की जो प्रथम चरण है उसमें से पंजीकृत आवेदकों की पीवीपीटी में मेरिट सूची के आधार पर आपको 28 इतने तारीख को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्रोविजनल सीट में आरक्षित के लिए 28/9/2022 को 11 बजे से लेकर के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आपको करना है। उसके बाद द्वितीय चरण जो है आपका 3/10/2022 को शुरू हो रहा है। इस प्रकार से दोस्तों ये जो है आप लोगों के लिए जानना जरूरी था। तो दो चरण दिखाई दे रहा है आप लोगों को, उसके बाद ये तीसरा चरण का भी यहाँ बताया गया है। तीसरा चरण जो है 15/10/2022 को होने वाला है। इस तरीके से आप लोगों देख लीजिए। तो दोस्तों ये तो रहा आप लोगों के लिए जो पीएटी और पीवीपीटी वाले आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के या तो फिर फिशरीज साइंस के, और पशु विभाग में आप अपना जो अगर आपका मन है अगर वहां पर जाने के लिए, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 12वीं उत्तीर्ण किए हैं और अच्छे अंकों से पीएटी उत्तीर्ण किए हैं या पीवीपीटी किए हैं, तो ये जो कोर्स है आप जो कर सकते हैं। ये कोर्स जो है मात्र 2 साल के लिए है। तो आप लोग दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाएं और वहां से आप लोग आज के आज ही वहां पर जाकर के कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।